नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ। गोरीकुंड के पास ये घटना हुई। पहाड़ी से गिरे इस मलबे से केदारनाथ यात्रा रूट जाम हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गोरीकुंड इलाके में गुरुवार देर रात से भारी बारिश जारी है। इसके चलते मंदाकिनी नदी उफान पर है। लैंडस्लाइड के बाद NDRF और SDRF रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। खराब मौसम के चलते इसमें दिक्कत आ रही है। उधर हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक 199 लोगों की मौत हो गई है। 31 लापता है। 199 मौतों में से 57 मौतें भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई है, जबकि 142 लोगों की मौत मानसून अवधि के दौरान सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने कहा कि मानसून के इस सीजन में हिमाचल में काफी नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। बारिश के कारण आई बाढ़ से राज्य में 774 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, जबकि 7,317 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 354 दुकानें और 2,337 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 79 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। राज्य में करीब 300 सड़कें बंद हैं। 274 बिजली और 42 जलपूर्ति योजनाएं अब भी बाधित है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।